हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सभी का झारखंड फाइटर्स बाई SK7 यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत करता हूँ। आज के इस लेक्चर में हम लोग संत कवि महिपाल के जितने भी इम्पोर्टेंट MCQ हैं वो हम लोग देखने वाले हैं, जो कि JSSC सिलेबस में दिया गया है और इसे ज़रूर क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, संत कवि महिपाल कौन काल कर कवि है रहे, यानी कि संत कवि महिपाल जो है कौन से काल के कवि हैं। ऑप्शन ए आधुनिक काल, ऑप्शन बी मध्यकाल, ऑप्शन सी प्राचीन काल या ऑप्शन डी आदिकाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आधुनिक काल। तो अभी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संत कवि महिपाल का जन्म कब है रहे, यानी कि संत कवि महिपाल का जन्म कब हुआ। ऑप्शन ए 1904, ऑप्शन बी 1905, ऑप्शन सी 1906 या ऑप्शन डी 1907। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1905। संत कवि महिपाल का जन्म जो है 1905 ईस्वी में हुआ। तो अभी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संत कवि महिपाल का जन्म गांव कहाँ है, यानी कि संत कवि महिपाल का जन्म कौन से गांव में हुआ। ऑप्शन ए तुलीन, ऑप्शन बी बुंडू, ऑप्शन सी तमाड़ या ऑप्शन डी नागेडी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नागेडी। संत कवि महिपाल का जन्म जो है नागेडी में हुआ। तो अभी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संत कवि महिपाल का जन्म कौन थानाएँ हेल रहे, यानी कि संत कवि महिपाल का जन्म जो है कौन से थाना के अंतर्गत हुआ। ऑप्शन ए बुंडू, ऑप्शन बी तमाड़, ऑप्शन सी सिल्ली या ऑप्शन डी सोनाहातू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिल्ली। संत कवि महिपाल का जन्म जो है सिल्ली थाना के अंतर्गत हुआ। तो अभी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संत कवि महिपाल कर बापे का नाम किना है, यानी कि संत कवि महिपाल का पिताजी का नाम क्या है। ऑप्शन ए शिबू महतो, ऑप्शन बी शिखर महतो, ऑप्शन सी पाल महतो या ऑप्शन डी निर्मल महतो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शिबू महतो। संत कवि महिपाल का पिताजी का नाम जो है शिबू महतो हैं। तो अभी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संत कवि महिपाल कर माई का नाम किना रहे, यानी कि संत कवि महिपाल का माता जी का नाम क्या है। ऑप्शन ए मिनी देवी, ऑप्शन बी सीता देवी, ऑप्शन सी रीना देवी या ऑप्शन डी शिवानी देवी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मिनी देवी। संत कवि महिपाल का माता जी का नाम जो है मिनी देवी है। तो अभी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संत कवि महिपालेक कतिक भाई रहत, यानी कि संत कवि महिपाल के कितने भाई हैं। ऑप्शन ए दुई, ऑप्शन बी तीन, ऑप्शन सी चार या ऑप्शन डी एकलाई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एकलाई। संत कवि महिपाल के जो है अकेले थे, उनका कोई भी भाई नहीं था। तो अभी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संत कवि महिपाल कर जनक नाम किना रहे, यानी कि संत कवि महिपाल के पत्नी का नाम क्या है। ऑप्शन ए लखी देवी, ऑप्शन बी परिया देवी, ऑप्शन डी परमिला देवी या ऑप्शन डी प्रियंका देवी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी परिया देवी। संत कवि महिपाल के पत्नी का नाम जो है परिया देवी है। तो अभी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संत कवि महिपाल कर बिहा कतिक बछरे हेल रहे, यानी कि संत कवि महिपाल का विवाह कौन से उम्र में हुआ। ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 16 या ऑप्शन डी 15। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 16। संत कवि महिपाल का विवाह जो है 16 वर्ष के उम्र में हुआ। तो अभी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संत कवि महिपाल कर निर्भयानंद महाराज संगे कौन साले मिलन हेल रहे, यानी कि संत कवि महिपाल का निर्भयानंद महाराज के साथ मिलन कब हुआ। ऑप्शन ए 1932, ऑप्शन बी 1933, ऑप्शन सी 1934 या ऑप्शन डी 1935। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1932। संत कवि महिपाल का जो है निर्भयानंद महाराज के संग मिलन 1932 ईस्वी में हुआ। तो अभी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संत कवि महिपाल कर मरण कब है रहे, यानी कि संत कवि महिपाल का मृत्यु कब हुआ। ऑप्शन ए 1978, ऑप्शन बी 1979, ऑप्शन सी 1980 या ऑप्शन डी 1981। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1979। संत कवि महिपाल का मृत्यु जो है 1979 ईस्वी में हुआ। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हो और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।
तो जाते जाते आप लोगों के लिए दो लाइन, उदास हूँ पर तुझसे नाराज़ नहीं, उदास हूँ पर तुझसे नाराज़ नहीं, तेरे दिल में हूँ पर तेरे पास नहीं, वैसे तो सब कुछ है मेरे पास, वैसे तो सब कुछ है मेरे पास, पर तेरे सिवा कुछ खास नहीं। तो दोस्तों आज के लेक्चर में यहीं पेंट करता हूँ, आपसे जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखें, धन्यवाद।